नमस्कार, डेली न्यूज 360.com में आपका स्वागत है। असम की करीमगंज लोकसभा सीट पर रोचक मुकाबला होने के आसार हैं। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट AIUDF ने इस बार मौजूदा सांसद राधेश्याम विश्वास पर दाव लगाया है, जिन्हें बीजेपी उम्मीदवार कृपानाथ मल्लाह से कड़ी टक्कर मिल सकती है। कांग्रेस ने स्वरूप दास को मैदान में उतारा है, तो वहीं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के चंदन दास भी यहां ताल ठोक रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि यहां विधानसभा सीटों में बीजेपी की हवा में मुख्यमंत्री बने सर्वानंद सोनोवाल लोकसभा में भी इस हवा को बरकरार रख पाते हैं या नहीं। 18 अप्रैल को इस सीट पर मतदान हुआ था। वर्तमान में करीमगंज लोकसभा सीट पर ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट AIUDF के राधेश्याम विश्वास सांसद हैं। बता दें कि असम की 5 सीटों पर 18 अप्रैल को दूसरे फेज में मतदान हुआ था। 10 मार्च को लोकसभा चुनाव 2019 की घोषणा के बाद देश चुनावी माहौल में आ गया था। 19 मार्च को इस सीट के लिए नोटिफिकेशन निकला। 26 मार्च को नॉमिनेशन की अंतिम तारीख, 27 मार्च को उम्मीदवारों की अंतिम लिस्ट पर मुहर लगी। अब 18 अप्रैल के मतदान के लिए सभी दलों ने अपनी ताकत झोंक दी थी। लोकसभा चुनाव 2019 के दूसरे चरण में 13 राज्यों की 97 सीटों पर चुनाव हुए। मतदान का परिणाम 23 मई को आना है। लोकसभा की 14 सीटों वाला राज्य असम यूं तो कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, लेकिन 2016 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में बीजेपी के पक्ष में हवा बनी। 2016 में सर्वानंद सोनोवाल के मुख्यमंत्री बनने के बाद राज्य में बीजेपी की हवा चल रही है। असम की करीमगंज लोकसभा सीट पर ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट का कब्जा है। AIUDF से राधेश्याम विश्वास सांसद हैं। इस सीट में 8 विधानसभाएं हैं, जिनमें 4 पर AIUDF, 2 पर कांग्रेस और 2 पर बीजेपी काबिज है। यह सीट शुरू से कांग्रेस के प्रभाव वाली रही है। यहां बीजेपी ने सिर्फ 1991 और 1996 में जीत दर्ज की थी। कांग्रेस प्रत्याशी निहार रंजन ने 1962 से 1980 तक लगातार 5 बार जीत दर्ज की थी। करीमगंज सीट पर सबसे पहले 1962 में लोकसभा चुनाव हुए। 1952 और 1957 में हुए लोकसभा चुनाव करीमगंज सीट पर नहीं हुए। करीमगंज सीट पर 1962 में पहले चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी निहार रंजन लस्कर ने रिकॉर्ड 50,525 मतों से जीत दर्ज की। उनके जीत का सिलसिला अगले 5 चुनावों तक कायम रहा। 1967 में हुए चौथे लोकसभा चुनाव में भी निहार रंजन ने 76,923 मतों से जीत दर्ज की। इसके बाद 1971 के चुनाव में उन्होंने और बड़ी जीत दर्ज करते हुए 121,746 मतों से CPM प्रत्याशी हरि नारायण रविदास को हराया। 1977 में हुए छठे लोकसभा चुनाव में निहार रंजन ने BLD प्रत्याशी लीलामय दास को 30,300 मतों से हराया था। धन्यवाद।